हाय गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर ने आप लोगों को ऑटो कैप्शन जनरेट करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के बारे में बताया होगा, मगर वो एप्लीकेशन हिंदी में जनरेट करती है, मगर क्रिएटर को तो कुछ इस तरह की कैप्शन चाहिए, मगर इस तरह की कैप्शन जनरेट करने के लिए हमें उस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या उस वीडियो की क्वालिटी लो हो जाती है एंड या तो उसमें वाटरमार्क आ जाता है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप फ्री में आप लोग ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं वो इसी तरह से ऑटो कैप्शन जनरेट करते हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी इसको यूज़ में लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिले। लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमें लैपटॉप या पीसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक वेबसाइट है क्लिपचैम, तो आप लोगों को उस वेबसाइट पर चले जाना होगा। आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना होगा एंड यहाँ पे सर्च करना होगा क्लेम चैप। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद में गाइस यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर लेना होगा गाइस। इसको ऑन करने के बाद में गाइस आप लोगों को कुछ यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक कर देना होगा। आप लोगों को इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे एंड मीडिया पे जाने के बाद में आप लोग उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका ऑटो कैप्शन आप लोगों को जनरेट करना होगा। तो चलिए गाइस हम लोगों ने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया एंड प्रोसेसिंग पे लग गया है एंड गाइस प्रोसेसिंग ये कंप्लीट होने के बाद में गाइस उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे छोड़ देना होगा। जैसे आप लोग छोड़ेंगे एंड गाइस यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आप लोग ऊपर देखेंगे यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो गाइस कैप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे टर्न ऑन ऑटो कैप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज मांगेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद में यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद में गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आप लोगों का ऑटो कैप्शन जनरेट करके ये आप लोगों को दे देगा। आप लोग थोड़ी देर में आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का ऑटो कैप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होकर यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस ये देखिए हमारा फाइनली जो है ऑटो कैप्शन ये जनरेट हो गया है। तो कुछ इस तरह से ऑटो कैप्शन जनरेट किया जाता है, तो काफी लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे कि कैसे ऑटो कैप्शन जनरेट होता है। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो पे ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कैप्शन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को अपने बैकग्राउंड का अगर ये कलर अगर हटाना चाहते हैं तो आप लोग अपना बैकग्राउंड को भी इसको हटा सकते हैं। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये साइड वाले पे, तो आप लोगों का ये बैकग्राउंड जो है ये भी रिमूव हो जाएगा एंड उसके बाद में आप लोग मन चाहे कलर यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से अपने कैप्शन को ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को, आप लोग अपने हिसाब से अपने कैप्शन को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे। आप लोग इसका बैकग्राउंड भी जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप लोग अपने हिसाब से अपने जो कैप्शन के ऊपर इफेक्ट भी दे सकते हैं एंड आप लोग यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंड आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने वीडियो के ऊपर ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हैं एंड एकदम फ्री में। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट अपनी वीडियो को कर लेना होगा एंड कुछ ही सेकंड में आप लोगों की ये वीडियो जनरेट होकर तैयार हो जाएगी एंड यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी कि मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं।